हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश्वर महाराज। जैसे आप देख रहे हैं कि ये अकबर हैं और ये अपने शासन काल में एक बार ज्वाला माता के भक्त से लड़ बैठे और उनके भक्त की परीक्षा लेने की कोशिश किया और ज्वाला माता के मंदिर में पहुंचे। और जब परीक्षा लिए तो उन्होंने एक शर्त लगाया था कि अगर इस परीक्षा को अगर तुम्हारी माता सफल करती है तो मैं घुटने टेक दूंगा। ठीक है, तो जो परीक्षा वाली बातें हैं वो आप उनके इतिहास में देख सकते हैं ज्वाला माता के। उस परीक्षा में भक्त पास हो गया और ज्वाला माता के सामने उन्होंने घुटने टेक दिया और ये खुशी खुशी ज्वाला माता के पास जब छतर चढ़ाने के लिए गए थे तो आप देख सकते हैं कि जब छतर चढ़ाने गए तो इनको थोड़ा सा अहंकार आ गया। ज्वाला माता ने उस छतर को स्वीकार नहीं किया और वो छतर देख सकते हैं पित्तल बन गया है। ठीक है, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मैं कहीं ना कहीं जाता हूं तो मैं आप सबको देता हूं, जिसे आप देखते हैं और सुनते हैं, आप सबको समझ में आता है हमारा सनातन सत्य कितना सच्चा है। और सनातन सत्य सनातन धर्म से ही सारे धर्मों का निर्माण हुआ है। आप देखते जाएं। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं ज्वाला मंदिर में हूँ, ज्वाला माता मंदिर में, और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि अकबर जब यहाँ हार गया था तो वहाँ पे अपना छत्र चढ़ाया था, वो उस समय सोने का था। माता के पास जब चढ़ाया तो माता का जो प्रकोप था उसके वजह से वो उसने चढ़ाया। बाकी का वीडियो मैंने ले लिया, उसमें एडिट करके दिखा दूंगा। तो ये पित्तल हो गया माँ के क्रोध के सामने। ठीक है, और माता रानी को आप देख रहे हैं फिलहाल, और यहाँ पे भी देखें मेरी प्यारी भोली वाली माता, और यहाँ का भी मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो ले लिया है, आप सब देखें। और इस छत्र को देखें, जितने हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं नहीं मानते हैं ना, उनके लिए ठीक है। तो इसे आप सब देखें, ये अकबर का दिया हुआ छत्र है। और वो छत्र जब चढ़ाया था तो सोने का था, उस समय जब माता ज्वाला का जब क्रोध था उस क्रोध के आगे किए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय माता।